तो हेलो फ्रेंड्स, तो नीट यूजी 2023 में फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी आपको दे रहेंगे या आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूनिक क्लासेस लाइव चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीट यूजी 2023 के फिजिक्स के शॉर्ट टर्म कोर्स हो रहे हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। अभी इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, मंडे को इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। 2 PM टू 3 PM के बीच में ये क्लासेस होते हैं, तो इसके लिंक लाइव क्लासेस के लिंक हमारे चैनल यूनिक क्लासेस लाइव पे अवेलेबल है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। तो चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में आप किस तरह से फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज आपने ये क्वेश्चन पेपर पे आपका ये क्वेश्चन आया जो बॉक्स से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोरली पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और वहाँ पे जो गिवन डेटा है उसको आपको सर्कल करके उसके ऊपर में उसको सिंबल के फॉर्म में दिखाना है। तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो ये फोर्स दिया हुआ सर एक्स ऑन अ 15 kg बॉडी इनिशियली, तो ये मास दिया हुआ है, एज मच एज पॉसिबल आपको जो समझ में आए उसके सिंबल लिखते जाए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ इनिशियली एट रेस्ट दैट इज सर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। द वर्क डन, आपको क्या निकालना है वर्क डन, उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए जिसे फाइंड करना है। बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, आपको फोर्स दिया हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। जनरल फॉर्मूला अगर दोनों पैरेलल ही है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, तो फोर्स इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। डिस्प्लेसमेंट हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन से क्या जानते हैं सर, काइनेमेटिक इक्वेशन से अप्रोच क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो हाफ ए टी स्क्वायर आपको निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। तो यहाँ पे टाइम भी आपको दिया होता है टी इज इक्वल टू 1। आप अगर इस क्या गिवन है क्या फाइंड करना, अगर आप ये सिंबल फॉर्म में दिखा देते जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया 5, हाफ एक्सेलेरेशन आ गया मेरा, एक्सेलेरेशन मीन्स क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया सर हाफ, फोर्स सर दिया हुआ 5 न्यूटन बाई 15 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो 1 3 दैट इज 5/6 जूल, तो क्या हुआ आंसर 5/6 जूल। तो इस तरह से आपको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एज क्विक एज पॉसिबल आपको इसको रीड करना है थोरोली और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके क्या आपको फाइंड करने बोला है और क्या गिवन है उसको रिलेट करना है इन शॉर्ट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और किस तरह से इसको और आप बना सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट या कमेंट बॉक्स में वो लिख करके जरूर से भेजिए। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको यूनिट एंड डायमेंशन से भी बताऊंगा जो पूरे फिजिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से ईजिली आप कैसे आंसर बता सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू।